हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. यू आर मोस्ट वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ यू क्लासेस. आज हम टॉपिक करेंगे स्पेलिंग टेस्ट का, जिसमें से ना मोस्टली एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो एग्ज़ाम एचएसएससी का हो, चाहे वो एग्ज़ाम एसएससी का हो, चाहे वो एग्ज़ाम डीएसएससीबी का हो, चाहे वो एग्ज़ाम ठीक है ना एयरफोर्स का हो. सभी एग्ज़ाम्स में स्पेलिंग टेस्ट पूछता है. डियर स्टूडेंट्स, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आपकी स्पेलिंग स्ट्रॉन्ग हो. इंग्लिश का हर वर्ड आपकी स्पेलिंग बढ़ता है. इंग्लिश का है ना हर वर्ड है, वो कैब का जो भी वर्ड है वो आपसे स्पेलिंग पूछ सकता है किसी भी वर्ड की. तो हम है ना वो स्पेलिंग करने जा रहे हैं जो मोस्टली प्रीवियस एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं और आगे भी, यानी कि इन फ्यूचर भी वो पूछी जाएंगी. वो देखिए क्या है स्पेलिंग टेस्ट है आज का. अक्सर पता क्या है, स्पेलिंग है जो वीक होती है. स्पेलिंग टेस्ट देखिए, टॉपिक का नेम है स्पेलिंग टेस्ट. इट मीन्स है ना आपकी स्पेलिंग है जो उसका टेस्ट है, आपकी स्पेलिंग सही हो. क्लियर है सभी को? तो सबसे पहले देखिए डीए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं ग्रामर की. सबसे पहले ग्रामर की स्पेलिंग क्या है. बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना इसी को गलत करते हैं, स्पेलिंग को GRAMMAR, ये स्पेलिंग रहेगी ग्रामर की. क्लियर है सभी को? ग्रामर की स्पेलिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना ER करते हैं, AR आएगा, ठीक है ना, ER नहीं आएगा, AR आएगा. अब देखिए नेक्स्ट स्पेलिंग क्या है, ट्यूशन की स्पेलिंग क्या है. डियर स्टूडेंट्स, ट्यूशन की स्पेलिंग तो है ना जो ट्यूशन सेंटर है, जो है ना ट्यूशन सेंटर है, जो घर पे ट्यूशन पढ़ाते हैं वो फ्लैक्स लगाते हैं, ठीक है ना, फ्लैक्स के ऊपर लिखा होता है ट्यूशन. उसमें भी मैंने कई जगह देखा है स्पेलिंग गलत लिखते हैं वो. ट्यूशन की स्पेलिंग ये रहेगी. क्लियर है सभी को? मेरी कोशिश यही रहेगी, ठीक है ना, आपसे जो भी स्पेलिंग पूछे वो आपकी कभी भी मिस ना हो. इसी सेशन से आपके स्पेलिंग आएंगी, ठीक है. ट्यूशन की स्पेलिंग क्या है बोलिए, TUITION, TUSION नहीं है, TUTION है ट्यूशन की स्पेलिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टमोरो की स्पेलिंग क्या है. पता क्या है, अक्सर है ना जो स्टूडेंट्स हैं स्पेलिंग को हल्के में लेते हैं, ये सोचते हैं टमोरो की स्पेलिंग क्या है, एक कॉमन सी स्पेलिंग है, बट इसी स्पेलिंग को गलत करते हैं वो. HSSC में स्पेलिंग पूछी गई थी टमोरो की स्पेलिंग क्या है, TOMORROW. अब देखिए कंपलसरी की स्पेलिंग क्या है, कंपलसरी की स्पेलिंग क्या है डियर स्टूडेंट्स, COMPULSORY, कंपलसरी. क्लियर है सभी को? कंपलसरी की स्पेलिंग क्या है. ओके, आगे चलिए, डिसिप्लिन की स्पेलिंग क्या है. डिसिप्लिन, DISCIPLINE, डिसिप्लिन होता है ना कि डिसिप्लिन होता है. पता क्या है, हम वर्ड का है ना जो प्रोनंसिएशन है वही गलत करते हैं, सो हमारी स्पेलिंग क्या होती है बोलिए, गलत होती है, इनकोरेक्ट होती है. क्या वर्ड है बोलिए, डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन नहीं है. क्लियर है सभी को? देखिए डी स्टूडेंट्स, कमेटी की स्पेलिंग क्या है. कमेटी, बहुत एग्जाम में स्पेलिंग पूछता है कमेटी की स्पेलिंग क्या है. मोस्टली एग्जाम में ना ये जो स्पेलिंग है सारी पहले पूछी जा चुकी हैं. कमेटी की स्पेलिंग क्या है, COMMITTEE. क्लियर है सभी को? कमेटी. अब देखिए गैजेट की स्पेलिंग क्या है. गैजेट की स्पेलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, GAZETTE. गैजेट का मीनिंग है ना ये होता है राजपत्र. अगर आपसे कोई है ना मीनिंग पूछता है गैजेट, ये होता है राजपत्र. क्लियर है सभी को? गैजेट की स्पेलिंग क्या है. अब एक वर्ड देखिए, एटिकेट. इट मीन्स है ना शिष्टाचार होता है. एटिकेट की स्पेलिंग बहुत बार पूछता है SSC CGL में, एस्टेट में, एयरफोर्स में, NDA में. क्या स्पेलिंग है एटिकेट की, क्या स्पेलिंग बोलिए, ETIQUETTE. इट मीन्स है ना शिष्टाचार होता है. क्लियर है सभी को? अब एक स्पेलिंग देखिए, कॉकेट की स्पेलिंग क्या है. कॉकेट है ना एक वन वर्ड है, दिल फेंक औरत होती है. ए वोमैन हु फ्लर्ट्स ए मैन फॉर सेक्स, ए वोमैन हु फ्लर्ट्स ए मैन फॉर सेक्स इज कॉल्ड क्या, कॉकेट. कॉकेट की स्पेलिंग क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, COQUETTE.
क्लियर है सभी को? आगे चलिए, सिगरेट की स्पेलिंग क्या है? सिगरेट की स्पेलिंग बहुत बार एग्जाम में पूछता है, सिगरेट की स्पेलिंग CIGARETEE। क्लियर है सभी को? अब आगे देखिए, एटिक्वेट है, गैजेट है, कॉकेट है, सिगरेट है, कमेटी है। क्या वर्ड है बोलिए? कमेटी वर्ड है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेलिंग है सारी। दोबारा देखिए, ग्रामर की स्पेलिंग क्या है? AR करें, ER मत करें। ट्यूशन की स्पेलिंग में आई जरूर लिखें, TUITIUN। टुमारो की स्पेलिंग क्या है डियर स्टूडेंट्स? TOMORROW। नेक्स्ट वर्ड क्या है? कंपलसरी। कंपलसरी में ना SARY करते हैं स्टूडेंट्स, ORY आएगा, ORY। डिसिप्लिन होता है, न कि डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बोलते हैं इसको। डिसिप्लिन बोलोगे तो आपकी स्पेलिंग गलत होगी, DISCIPLINE। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट स्पेलिंग देखिए क्या है, ट्वेल्थ की स्पेलिंग क्या है? जैसे है ना, MA में आता है ट्वेल्थ नाइट, ट्वेल्थ की स्पेलिंग क्या है डियर स्टूडेंट्स? जैसे आप है ना ट्वेल्थ पास आउट करते हैं, ट्वेल्थ की स्पेलिंग क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है TWELFTH, ट्वेल्थ, ट्वेल्थ, F आएगा इसमें। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर TWELTH आएगा, नहीं आएगा, TWELFTH, ट्वेल्थ की स्पेलिंग क्या है? और देखिए वैक्यूम की स्पेलिंग क्या है, प्लीज कमेंट करें। वैक्यूम की स्पेलिंग क्या होती है बोलिए? VACWM। ये ऐसी स्पेलिंग है, साइंस के जो टीचर्स हैं वो भी स्पेलिंग को गलत करते हैं, बट उनकी है ना जो गलती है वो मान्य होती है, क्योंकि है ना वो लैंग्वेज के टीचर नहीं है। अगर मान लीजिए बात करता हूँ मैं लैंग्वेज की, हिंदी लैंग्वेज है, संस्कृत लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, उसकी स्पेलिंग है ना टीचर की काउंट होगी। मान लीजिए मेरे से कोई स्पेलिंग गलत होती है तो आप मेरे को क्या बोलोगे? कैकोग्राफर बोलोगे। वर्ड सुना आपने कैकोग्राफर? जिसकी स्पेलिंग कमजोर हो, क्लियर है ना, जिसकी हैंडराइटिंग बुरी हो, दैट जिसकी हैंडराइटिंग बुरी हो उसे बोलते हैं कैकोग्राफर। वैक्यूम की स्पेलिंग क्या है बोलिए? VACWM। क्लियर है ना? लेकिन आप ये बोलोगे, आप ये बोलोगे सर ये स्पेलिंग है, ये आपकी इनकोरेक्ट स्पेलिंग है। क्लियर है सभी को? अक्सर है ना 90% स्टूडेंट्स, 90% स्टूडेंट्स ठीक है ना, वैक्यूम की स्पेलिंग ये करते हैं जो कि आपकी रोंग होती है। ये आंसर आएगा VACWM, और लास्ट में ई नहीं आएगा, लास्ट में ई नहीं आएगा डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्पेलिंग देखिए क्या है, देखिए पायरिया। पायरिया दांतों का रोग होता है, पायरिया दांतों से खून आते हैं। डायरिया, डायरिया की स्पेलिंग क्या बोलिए? DIARROEA। पायरिया है दांतों का रोग, डायरिया है पेचिस का रोग कह लीजिए, दस्त का रोग कह लीजिए। ल्यूकोरिया, ये लेडीज का गुप्त रोग है, ल्यूकोरिया लेडीज का है ना गुप्त रोग है ल्यूकोरिया। क्लियर है सभी को? वैक्यूम की स्पेलिंग क्या है, पायरिया की स्पेलिंग क्या है, डायरिया की स्पेलिंग क्या है, ल्यूकोरिया की स्पेलिंग क्या है? अब देखिए ओटोरिया, ये जो है ना ओटोरिया वर्ड है, इट मीन्स है ना कान बहना, बीमारी है ये। ये सारी है ना, ये चारों डिजीज हैं, नेम ऑफ डिजीज हैं। पायरिया है दांतों से खून आना, ये नहीं बोलते इसको पायरिया है। डायरिया है पता आपको दस्त का है जो रोग। ल्यूकोरिया है लेडीज का गुप्त रोग है। क्या वर्ड है? ओटोरिया, OTORROEA। ओटोरिया है ना कान बहना की बीमारी होती है। अब एक वर्ड देखिए गनोरिया। डियर स्टूडेंट्स मैं है ना बड़े दावे से कह रहा हूं, इसमें से आपके क्वेश्चन पूछता है वो पांचों स्पेलिंग में से। गनोरिया है जो, ये है ना जैसे चेहरे पे स्वेलिंग आती है, चेहरे पे क्या आती है बोलिए? स्वेलिंग आती है, सूजन आती है, वो रोग है ये, स्वेलिंग का रोग है जो, गनोरिया। क्लियर है सभी को? ओटोरिया है ओटोरिया, लिकोरिया है, डायरिया है, पायरिया है। नोट करते रहे स्पेलिंग टेस्ट। क्लियर है सभी को? अब आगे चलिए,
देखिए भी क्या है, नेक्स्ट स्पेलिंग यूकेलिप्टस है, EUCALYPTUS। ये स्पेलिंग कितनी बार एग्जाम में पूछता है, यूकेलिप्टस सबसे बड़ा पेड़ होता है, वन वर्ड पूछ सकता है आपसे। सबसे बड़ा पेड़ होता है जो सफेदे का पेड़ होता है, सबसे लंबा पेड़ है जो सफेदे का पेड़ होता है, यूकेलिप्टस। क्या स्पेलिंग है, EUCALYPTUS। क्लियर है सभी को? अब देखिए बलून की स्पेलिंग क्या है, गुब्बारा होता है बलून, क्या स्पेलिंग है बोलिए, BALLOON, बलून की स्पेलिंग है, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है। क्लियर है सभी को? अब देखिए ऑटम की स्पेलिंग क्या है, ऑटम पतझड़ ऋतु होती है, एन साइलेंट रहेगा ऑटम का, जैसे है ना कोलम की स्पेलिंग है, कोलम जो है ना न्यूज़पेपर है उसमें कोलम्स आते हैं, न्यूज़पेपर में है ना जैसे कोलम्स आते हैं, कोलम है ये, COLUMN, ऑटम है। अब देखिए सोलम है, इट मीन्स है ना सीरियस होता है, इट मीन्स ग्रेव कह लीजिए, इट मीन्स है ना ग्रेव होता है, सीरियस होता है, इट मीन्स है ना डीप होता है, इट मीन्स प्रोफाउंड होता है। डियर स्टूडेंट्स आपके है ना वो भी आएंगे, सिनोनियम्स भी आएंगे, सिनोनियम्स एंटोनियम्स भी आएंगे। ये जो वर्ड है ना सोलम वर्ड है, इट मीन्स ग्रेव कह लीजिए, सीरियस कह लीजिए, डीप कह लीजिए, प्रोफाउंड कह लीजिए। क्लियर है सभी को? सोलम की स्पेलिंग SOLEMN, कोलम की स्पेलिंग बोलना COLUMN, ऑटम की स्पेलिंग बोलना AUTUMN। क्लियर है? बलून की स्पेलिंग क्या है, बलून। ओके आगे चलिए, आपकी स्पेलिंग स्ट्रोंग हो, आप है ना कैलीग्राफर बने, कैकोग्राफर ना बने। कैलीग्राफर वो होता है जिसकी स्पेलिंग अच्छी हो, जिसकी हैंडराइटिंग साफ हो, उसे कहते हैं कैलीग्राफर। एक होता है कैकोग्राफर जिसकी हैंडराइटिंग बद्दी हो, जिसकी हैंडराइटिंग साफ ना हो, जिसकी स्पेलिंग भी अच्छी ना हो, उसे बोलते हैं कैकोग्राफर। क्लियर है? कैको वर्ड आए अगलीनेस के लिए, कैली वर्ड आए किसके लिए, ब्यूटीफुल के लिए। इस तरह से आप याद कर लें। नेक्स्ट देखिए स्पेलिंग क्या है, देखिए कोलोसल, HSSC में स्पेलिंग पूछी गई थी, कोलोसल की स्पेलिंग क्या है। जो वर्ड है ना कोलोसल है, इट मीन्स बहुत बड़ा होता है, विशालकाय, जैसे हाथी है, कैसा पशु है, कैसा पशु है, विशालकाय पशु है। क्लियर है सभी को? कोलोसल COLOSSAL, बहुत बार स्पेलिंग पूछता है। आगे देखिए एकोमोडेशन की स्पेलिंग क्या है, एकोमोडेशन PGT-STAT में स्पेलिंग पूछी गई थी, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ एकोमोडेशन। आपको है ना हर वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ। डियर स्टूडेंट्स मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आपकी है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छी हो। एकोमोडेट है, इट इज ए वर्ब, एकोमोडेशन इज ए नाउन। जैसे है ना ड्वेलिंग प्लेस है, एकोमोडेशन बोलते हैं उसको, आवास स्थान, लिविंग प्लेस है जो, एकोमोडेशन। अब एक वर्ड देखिए अंबेसडर, बहुत बार स्पेलिंग पूछता है, अंबेसडर की स्पेलिंग क्या है। अंबेसडर होता है राजदूत, जैसे है ना हम इंडिया वाले ठीक है ना अमेरिका में USA में भेजते हैं, क्या भेजते हैं, अंबेसडर भेजते हैं, राजदूत भेजते हैं अपना। अंबेसडर की स्पेलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकोमोडेशन की स्पेलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब एक वर्ड देखिए एकोम्प्लिस, एकोम्प्लिस। अब एक वर्ड और देखिए एकोम्प्लिस। डियर स्टूडेंट्स प्लीज बताइए इन दो में से कौन सी स्पेलिंग सही है, विच वन इज ठीक है ना करेक्ट, विच वन इज करेक्ट, इनमें से है ना कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। आप ये बोलोगे सर दोनों ही स्पेलिंग सही है, दोनों ही स्पेलिंग सही है, बोथ स्पेलिंग्स आर करेक्ट, बोथ स्पेलिंग्स आर करेक्ट, बट है ना डिफरेंट इन मीनिंग। दोनों स्पेलिंग सही हैं पर है ना मीनिंग दोनों का क्या है बोलिए, अलग है। देखिए क्या होता है, आपसे वन वर्ड पूछ सकता है, स्पेलिंग में ही चलेगा आपका। देखिए क्या है, ए हेल्पर, इसकी स्टेटमेंट ये रहेगी, अगर आपसे वन वर्ड पूछता है ए हेल्पर इन ए क्राइम, ए हेल्पर इन ए क्राइम,
कराई में है ना एक हेल्पर होता है, उसे बोलते हैं अकोम्प्लिस। क्लियर है सभी को? हेल्पर इन ए क्राइम। जैसे मान लीजिए मैं अपराध कर रहा हूं, अपराध में आप मेरे हेल्पर हो, उसे बोलते हैं अकोम्प्लिस। क्लियर है सभी को? और जो ये अकोम्प्लिस है, इट मीन्स ये होता है फुलफिल करना, टू फुलफिल, पूरा करना। जैसे ये नहीं बोलते हैं जो भी है ना अमरनाथ की यात्रा करते हैं, उस उनकी मनोकामनाएं क्या होती हैं, पूर्ण होती हैं, पूरी होती हैं। ये जो वर्ड है अकोम्प्लिस, इट मीन्स है ना फुलफिल होना, टू फुलफिल। क्लियर है सभी को? बहुत अच्छी स्पेलिंग है, दोनों ही स्पेलिंग सही है, बट है ना डिफरेंट इन मीनिंग, मीनिंग डिफरेंट है। एम्बेसडर की स्पेलिंग क्या है, एकोमोडेशन की स्पेलिंग क्या है। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए, असैसिनेशन। डियर स्टूडेंट्स, आप है ना तैयार रहें, आप तैयार रहें, आपसे कोई भी क्वेश्चन करे, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे आपसे, वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वर्ड की स्पेलिंग क्या है, वन वर्ड क्या आएगा इसके लिए, आप तैयार रहें फेस करने के लिए। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड है इस वर्ड से बनता है, असैसिनेट, इट इज ए वर्ब। असैसिनेट इट मीन्स है ना टू किल, फॉर मर्डर, मार देना, यानी कि टू मर्डर कह लीजिए आप। जो वर्ड है ना ये असैसिनेशन वर्ड है, जो असैसिनेशन जो वर्ड है, इट मीन्स है ना मर्डर फॉर ए पॉलिटिकल रीजन। देखिए क्या है, मर्डर फॉर ए पॉलिटिकल रीजन। जैसे है ना वो थे पूर्व पीएम डॉक्टर राजीव गांधी, ठीक है ना, उनका भी क्या हुआ था, असैसिनेशन हुआ था। जो अपनी पूर्व पीएम थी इंदिरा गांधी जी, उनका भी क्या हुआ था, असैसिनेशन हुआ था, मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीजन। आपसे वन वर्ड भी पूछ सकता है, मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीजन, क्या आंसर आएगा बोलिए, असैसिनेशन नाउन है ये, असैसिनेट इट इज ए वर्ब, इट मीन्स है ना किसी का मर्डर करना फॉर पॉलिटिकल रीजन। क्लियर है सभी को? आपकी है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छी हो, इट इज ए वर्ब, इट इज ए नाउन, ये नाउन है, ये वर्ब है, असैसिनेशन, ए डबल एस ए डबल एस आई एन ए टी आई यू एन। क्लियर है सभी को? आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छी हो डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट स्पेलिंग, एक आपका फ्रूट है, एक अपना है ना फ्रूट है पोमेग्रेनेट, बहुत बार स्पेलिंग पूछता है। अनार है, जो अनार को बोलते हैं पोमेग्रेनेट, क्या स्पेलिंग है, पी ओ एम ई जी आर ए एन ए टी ई, बहुत बार स्पेलिंग पूछता है पोमेग्रेनेट की। क्लियर है ना सभी को? अब एक वर्ड देखिए, एडमिशन की स्पेलिंग क्या है, एडमिशन की स्पेलिंग क्या है, ए डी एम आई डबल एस आई ओ एन, एडमिशन। नेक्स्ट वर्ड देखिए, कमिश्नर की स्पेलिंग क्या है, कमिश्नर की स्पेलिंग, जैसे है ना पुलिस कमिश्नर है, कमिश्नर की स्पेलिंग क्या बोलिए, सी ओ डबल एम आई डबल एस आई ओ एन ई आर। एक आपके ऑप्शन आएगा ओ आर वाला, ओ आर नहीं आएगा, ई आर सही है। कमिश्नर की स्पेलिंग है, एडमिशन की स्पेलिंग है ए डी एम आई डबल एस आई ओ एन। क्लियर है ना डियर स्टूडेंट्स, प्लीज कमेंट करें। जेन्युइन की स्पेलिंग क्या है, जेन्युइन की स्पेलिंग, जेन्युइन की स्पेलिंग है, जेन्युइन होता है ऑथेंटिक कह लीजिए, रियल कह लीजिए, जेन्युइन का मीनिंग है ऑथेंटिक, रियल कह लीजिए आप इसको, असली कह लीजिए, वास्तविक कह लीजिए। क्लियर है सभी को? जेन्युइन की स्पेलिंग। डियर स्टूडेंट्स, जीनियस की स्पेलिंग क्या है, जीनियस, ये स्पेलिंग है जीनियस की, बट है ना एग्जामिनर आपकी मनोकामना पूरी करेगा, बट है ना जो एग्जामिनर है आपकी जो मनोकामना है, विश है, वो फुलफिल करेगा जरूर। आप सोचोगे जीनियस की स्पेलिंग ये होती है, ये स्पेलिंग नहीं है जीनियस की, ये स्पेलिंग सही है जीनियस। क्लियर है सभी को? जी ई एन आई यू एस, जीनियस। और कोई आपसे पूछता है जीनियस कैसा नाउन है, जीनियस सिंगुलर नाउन है प्लूरल नाउन है, तो आप है ना प्लीज इसको सिंगुलर नाउन में काउंट करो, सिंगुलर नाउन है ये। क्लियर है सभी को? जैसे रेडियस वर्ड है, सिंगुलर नाउन है, रेडियस का प्लूरल क्या बनेगा, रेडियाई,
जीनियस का आप रूल क्या बनेगा, ठीक है ना, इस तरह से आप कर लेंगे, क्लियर है सभी को? जो है ना जीनियस है, इट इज ए सिंगुलर नाउन बट इट अपियर्स प्लूरल। जीनियस है ना सिंगुलर नाउन है बट ये अपियर होता है कैसा, बोलिए प्लूरल। आप है ना हर जगह अलर्ट रहें, बी केयरफुल, सावधान रहें हर जगह। वो पूछ सकता है नाउन किस में काउंट होगा, सिंगुलर में प्लूरल में, स्पेलिंग क्या है जीनियस की, जी ई एन आई यू एस। जेनवन की स्पेलिंग क्या है, जी ई एन यू आई एन ई। अब देखिए क्या है, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग क्या है। डियर स्टूडेंट्स, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग बहुत बार पूछता है एग्जाम में, जिसको आप बोलते हैं लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग क्या है, बोलिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट ये स्पेलिंग मोस्टली एग्जाम में पूछता है, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग क्या है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप इस स्पेलिंग को है ना तोड़ के याद कर लें, तोड़ के याद कर लें, इजी बना रहा मैं इसको, ऐसे याद कर लें, लाई यू टेन एंट, ऐसे याद कर लें, लाई यू टेन एंट, लाई यू टेन एंट, क्लियर है ना। लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग बहुत ही मस्त स्पेलिंग है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्नल, कर्नल नहीं होता कोलोनल, बहुत बार स्पेलिंग पूछता है, कर्नल नहीं होता, क्या होता है बोलिए, कोलोनल होता है वो, कर्नल नहीं होता वो। आगे देखिए क्या है, पैरासूट बोलते हैं आप, पैरासूट गलत यूज है आपका, पैराचूट, पैरासूट नहीं होता वर्ड कोई भी, पैराचूट होता है, जैसे अपना कैप्टन था, ठीक है ना, विंग कमांडर जो पाकिस्तान में गिरा था, पीछे नहीं न्यूज आई थी, क्या नाम था उनका, अभिनंदन शायद इस तरह का नाम था, ठीक है ना, पैराशूट से उड़ा था वो, पैराशूट, पैराशूट नहीं होता वो, पैराचूट, पैराशूट गलत बोलते हैं, तो आपकी स्पेलिंग अंडरस्टूड है, गलत होगी, पैराशूट नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, पैराचूट, क्या स्पेलिंग है, पी ए आर ए सी एच यू टी ई, क्लियर है सभी को। व्हीकल की स्पेलिंग क्या है, व्हीकल की स्पेलिंग क्या है, ये भी स्पेलिंग एच एस एस सी के एग्जाम में पूछी गई थी, व्हीकल की स्पेलिंग क्या है, क्लियर है सभी को, व्हीकल। अब एक वर्ड देखिए, अटेंडेंस की स्पेलिंग क्या है, अटेंडेंस की स्पेलिंग क्या है। डियर स्टूडेंट्स, आप तैयार रहें, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता आपसे, यहां ब्लैंक छोड़ देगा वो, यहां ब्लैंक छोड़ देगा वो, देखिए कैसे, क्लियर है स्पेलिंग, अटेंडेंस की स्पेलिंग। एक और क्वेश्चन देखिए, यहां ब्लैंक छोड़ेगा वो, ये पूछेगा इस वर्ड में ये लगाओ, क्या लगाइए बोलिए, सफिक्स। एक होता है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स को है ना इंग्लिश में बोलते हैं उपसर्ग, और जो सफिक्स है वो होता है प्रत्यय, जो है ना प्रीफिक्स है वर्ड के आगे लगता है, और जो सफिक्स है, सफिक्स है वर्ड के लास्ट में लगता है, तो वो आपसे क्वेश्चन करेगा ई एन सी ई, ए एन सी ई, तो आपका ये आंसर आएगा, क्लियर है सभी को। आपकी स्पेलिंग अच्छी हो, आपके प्रीफिक्स अच्छे हो, आपके सफिक्स अच्छे हो, प्रीफिक्स क्या आएगा, सफिक्स क्या आएगा, क्लियर है सभी को। प्रीफिक्स को हिंदी में उपसर्ग बोलते हैं, जो वर्ड के आगे लगते हैं, और जो सफिक्स है उसको प्रत्यय बोलते हैं, जो वर्ड के लास्ट में लगते हैं, क्लियर है सभी को। सो है ना, आप अटेंडेंस की स्पेलिंग कर ले क्या है। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए, ये स्पेलिंग बहुत बार पूछता एग्जाम में, ऑकरेंस, ऑकर वर्ड नहीं, ऑकर, ऑकर होता है टू हैपन, ऑकर मीन्स टू हैपन, ठीक है ना, घटित होना, टेक प्लेस कह लीजिए, हैपन कह लीजिए, ऑकर, ऑकरेंस, ओ डबल सी यू डबल आर ई एन सी ई। एक और देखिए डी स्टूडेंट्स, इस वर्ड में पूछता है, इस वर्ड में पूछता है, क्या पूछता है बोलिए, सफिक्स लगाइए, क्या लगाइए, सफिक्स लगाइए, इसमें आएगा ई एन सी ई, इसमें क्या आएगा बोलिए, ए एन सी ई, क्लियर है सभी को। दोनों स्पेलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओक्रेंस की स्पेलिंग क्या है, ओ डबल सी यू डबल आर ई एन सी ई, याद कर लें। अटेंडेंस की स्पेलिंग क्या है, ए एन सी ई। अब एक वर्ड देखिए इस तरह का, रिमेम्बरेंस, क्या स्पेलिंग है रिमेम्बरेंस की स्पेलिंग,
इसमें भी है ना जो सफिक्स वाला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। सफिक्स क्या है इसमें, आर ई एम ई एम बी आर ए एन सी ई, आर ई एम ई एम बी आर ए एन सी ई। रिमेंबर इज ए वर्ब, रिमेंबर मीन्स याद करना, रिमेंबरेंस इट इज ए नाउन। कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसा नाउन है बोलिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फरलो की स्पेलिंग क्या है डियर स्टूडेंट्स, फरलो बहुत सारे बोलते हैं फरलो मार ली मैंने, बट स्पेलिंग किसी को नहीं पता होता फरलो। एफ यू आर एल ओ यू जी एच, क्या स्पेलिंग है, एफ यू आर एल ओ यू जी एच। फरलो नहीं बोलते, मैंने फरलो मार ली विदाउट परमिशन, मैंने छुट्टी मार ली। इन इंग्लिश में ना एक idiom है, ए फ्रेंच लीव, पढ़ा आपने कभी, ए फ्रेंच लीव, इट मीन्स ना ए लीव विदाउट एनी परमिशन, कोई छुट्टी बिना परमिशन के। फरलो की स्पेलिंग क्या है, एफ यू आर एल ओ यू जी एच। क्लियर है सभी को, फरलो की स्पेलिंग है जो। अब देखिए फारेनहाइट, साइंस का वर्ड है फारेनहाइट, हाइट नहीं बोलोगे आप, हीट बोलोगे इसको। अगर आप फारेनहाइट बोलोगे तो आपकी स्पेलिंग गलत होगी, अंडरस्टूड है। अगर आपका प्रोनंसिएशन सही है आपकी स्पेलिंग सही है, अगर आपका प्रोनंसिएशन ही गलत है तो आपकी स्पेलिंग के गलत होने के चांसेस ज्यादा होंगे। क्लियर है ना, जो वर्ड है फारेनहाइट, एफ ए एच आर ई एन एच ई आई टी, हाइट नहीं आएगा, फारेनहाइट एच ई आई टी, बहुत अच्छी स्पेलिंग है। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, टैटू की स्पेलिंग क्या है, टैटू छुपाते हैं जो, जैसे है ना जो कैंगरू है, कैंगरू है जो, जो है ना ऑस्ट्रेलियन है, जैसे ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी है से वॉटसन, वाट्स क्या नाम है उसका, वाटसन है ना, सेन वाटसन, ठीक है ना, सारे टैटू छुपाते हैं वो, जैसे न्यूजीलैंड के हैं जो, न्यूजीलैंड के हैं ना जो खिलाड़ी हैं, अपने सारे हाथों पे क्या करते हैं वो, टैटू छुपाते हैं। टैटू, टैटू की स्पेलिंग क्या है, टी ए डबल टी डबल ओ, टैटू। क्लियर है ना। टॉफी की स्पेलिंग क्या है, टी ओ डबल एफ डबल ई, टॉफी। कॉफी की स्पेलिंग क्या है, सी ओ डबल एफ डबल ई, कॉफी। इस तरह से है ना आपकी स्पेलिंग सही हो डियर स्टूडेंट्स, आपकी स्पेलिंग सही हो। अब देखिए आर्ग्यू की स्पेलिंग क्या है, आर्ग्यू, आर्ग्यू इज ए वर्ब। आर्ग्यू करना, तर्क वितर्क करना, बहस करना, आर्ग्यू होता है तर्क वितर्क करना, बहस करना। बट देखिए कोई आपसे पूछता है इससे नाउन बनाइए, इससे क्या बनाइए, नाउन बनाइए, तो स्पेलिंग बहुत अच्छी होगी, आर्ग्यूमेंट की स्पेलिंग ये रहेगी। क्लियर है सभी को, आर्ग्यूमेंट की स्पेलिंग ये रहेगी, ई नहीं आएगा इस स्पेलिंग में, है ना, ई नहीं आएगा। और आप यही गलती करोगे, ई लगाओगे आप, इस गलती से अवॉइड करें डियर स्टूडेंट्स। जहां भी आप गलती करोगे, जहां भी आपके गलती के चांसेस बनते हैं, मैं आपको उनसे अवॉइड कराता हूं। क्लियर है सभी को, क्या वर्ड है, आर्ग्यूमेंट की स्पेलिंग क्या है। क्लियर है ना, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यू इज ए वर्ब, आर्ग्यूमेंट इज ए नाउन। अब वर्ड देखिए रिसिप्ट की स्पेलिंग क्या है, रिसिप्ट, एच एस एस सी में क्वेश्चन आता रिसिप्ट की स्पेलिंग क्या है। जैसे आप है ना बिल भरते हैं, इलेक्ट्रिकल बिल है जो, बिल भरते हैं आप, क्या लेते हैं उसकी, रिसिप्ट लेते हैं, रिसिप्ट रसीद है जो, आर ई सी ई आई पी टी। अब देखिए डिसीव की स्पेलिंग क्या है, डिसीव की स्पेलिंग बहुत बार पूछता है एग्जाम में। डिसीव इज ए वर्ब, धोखा देना, डिसीव इज ए वर्ब, डिसीव की स्पेलिंग क्या है। अब देखिए बिलीव की स्पेलिंग क्या है, मैं आपको है ना आसान स्पेलिंग भी और मुश्किल से मुश्किल स्पेलिंग भी, सभी स्पेलिंग्स करवाऊंगा आपको। क्लियर है ना, चाहे वो स्पेलिंग आपने पढ़ी हो चाहे वो ना पढ़ी हो, सभी स्पेलिंग्स करेंगे, क्योंकि स्पेलिंग आपके एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है। डिसीव की स्पेलिंग क्या है, बिलीव की स्पेलिंग क्या है। क्लियर है सभी को, आज के लिए इतना ही भी, थैंक यू सो मच भाई। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।